वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फ्लो विद जूही। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं नोएडा हाट। नोएडा में काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पर अक्सर काफ़ी सारे मेले लगते हैं, पर आज जो हम मेले देखने जा रहे हैं उसका नाम है सरस आजीविका। ये एक काफ़ी बड़ा मेला है जो नोएडा हाट में लगता है और शायद ये ईयर में केवल एक ही बार लगता है और ये काफ़ी सुंदर होता है। यहाँ पे एक से एक परफॉर्मेंस होती है, आर्टिसंस आते हैं अपना क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट का सामान सेल करने, और यहाँ का इतना अच्छा फूड होता है क्यूज़ाइन पूरे इंडिया के स्टेट्स में से, डिफरेंट स्टेट्स में से सब के सब आते हैं अपना फेवरेट क्यूज़ाइन्स लेके। तो वीडियो को लास्ट तक देखती रहिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ जूही और आज मैं आपको ले जाऊंगी नोएडा हाट पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आपको गाड़ियां जो है वो रोड पर ही पार्क करनी होती है कुछ इस तरह से, और ये है नोएडा के सेक्टर 33 पे, ये है नोएडा हाट पार्किंग। यहाँ पर देखिए आप ये फर्नीचर, ये कितना सारा है, कितना सुंदर है। वुडन फर्नीचर, वुडन एंड मेटल फर्नीचर, इट्स रियली सो नाइस। झूले भी आए हैं पीछे, स्विंग्स हैं, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे वो एन एरो है इफ यू वांट टू शूट। ये अंकल जी नेम प्लेट्स बनाते हैं, आपको यहाँ पे हैंड पेंटिंग नेम प्लेट्स मिलेंगी। आप बनवाना चाहे तो यहीं पे आके पेंट करवा लीजिए, बनवा लीजिए। ये वुडन क्राफ्ट है यहाँ पे, ये कारपेट्स हैं इधर, एक से एक कारपेट, बैग, जूट बैग, ये मेटल की कढ़ाइयाँ हैं यहाँ। भैया ये कारपेट कैसा है, ये वाला कितना? 2800 का। ये कितने खूबसूरत हैंड वोवन कारपेट है, ये काफी कॉस्टली है। हैंड बैग, ये है गुजरात का हैंडीक्राफ्ट, ये देखिए कितना खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट है, ये गुजरात का है। ये है गुजरात की लिपन आर्ट, ये भी देखिए गुजरात की लिपन आर्ट। क्या प्राइस है इनका? 1500। ये बड़े वाले 15, छोटे वाले 700। ये देखिए कितना सुंदर लिपन आर्ट है, ये कितने का है आंटी? और ये ओरिजिनल गुजरात से हैं आए हुए लिपन आर्टिस्ट, ये पहली बार यहाँ आए हैं, पहले नहीं आते थे। आंटी आप कहाँ से आए हो? गुजरात में, कच्छ से? ओके। देखिए ये है गोवा से फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये है आर्टिफिशियल बर्ड नेस्ट गोवा से ही, ये छत्तीसगढ़ से हैं। ट्राइबल आर्ट, बैम्बू के हैं, बैम्बू चेयर, ये बेल्स हैं, इसीलिए
ये देखिए ट्रेडिशनली किस तरह से चादर बुनती है, चादर बनाई जाती है, ये यहाँ पे बन रही है चादर। दोस्तों शाम होते ही यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस होती हैं, राजस्थान का फोक डांस, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के। हम थोड़ा जल्दी आए हैं तो शायद अभी चालू नहीं हुई है। मटन और लिट्टी, ये आ गया मटन। ये मटन लिट्टी है, ग्रेवी तो ठीक है, और वहाँ से आएगी गर्मा गर्म लिट्टी। विनय ने पसंद की है बिहार की डिश, क्योंकि ये है बिहारी, इन्होंने अपने स्टेट को किया है सपोर्ट। ये देसी घी में हमारी लिट्टी जा रही है और अब ये आ गई बाहर और लग गई प्लेट में। तो ये है हमारी लिट्टी की, मटन लिट्टी की प्लेट। मेरा ऑर्डर है, ये मैंने ऑर्डर किया है, इसको बोलते चिकन कोटू पोरोटा, और मुझे नहीं पता था ये ऐसा होगा, मुझे लगा ये एक पराठा होगा, पर ये तो माय गुडनेस, ये तो क्या बन रहा है, ये तो कुछ भुजिया क्या बन रहा है, आई डोंट नो, बन के पता चलेगा टेस्ट करने पे कि ये कैसा लगता है। तो ये है चिकन कोटू पोरोठा, मुझे लगा ये बनेगा एक पराठा, पर यहाँ पे ये बन गई है एक भेल, चिकन की भेल। चिकन भी है, अंडे भी है, पराठा भी है, गॉड नोज इसके अंदर उन्होंने क्या क्या डाला है, देखते हैं टेस्ट करके। क्या खाया जुई, कैसा लगा खाने का? पता नहीं पेट की बैठ बज गई, क्या था, कोटलू पोटलू पराठा चिकन, गॉड नोज भेल थी, हालत खराब हो गई है खाते। चाय कैसी है? हेलो दोस्तों, तो आपको ये ब्लॉग नोएडा हाट का कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमने ढेर सारी की है शॉपिंग, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।